हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एम आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो दिस इज द जी एस टी सीरीज स्टार्टेड एंड दिस इज द जी एस टी पार्ट थ्री एंड दिस विल भी हेल्पफुल फॉर द नेट सेट स्टूडेंट्स द टी वाई बी कॉम स्टूडेंट्स बैफ बी एम एस जिन बच्चों को जी एस टी का सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स में जी एस टी है उन सभी के लिए ये एम सी क्यू सेशन काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे और अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हमने लाइव सेशंस लेना शुरू किया है तो एवरी डे एट ओ क्लॉक इवनिंग में वी आर हैविंग लाइव सेशंस तो जो अपकमिंग क्लासेस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो अपकमिंग क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके एनरोल कर ले और अगर आपको कोड पूछे तो कोड आपको डालना है राहुल मोहिले जिसके बेसिस पे आपके फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे और आपको आपके नेटसेट के एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए हेल्प होते रहेंगे तो एवरी डे एट ओ क्लॉक वी आर मीटिंग लाइव ऑन दी अन एकेडमी प्लेटफॉर्म तो अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं so this is my profile let us start with the question number 1 which of the following is not considered as special category of state as per gst act 2017 तो आपको पता होगा कि जीएसटी एक्ट के अंदर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया गया है मतलब उन स्टेट्स में थोड़ा सा ओवरऑल इनकम उन स्टेट्स के लोगों का कम है इसीलिए उनको कुछ लिमिट में बेनिफिट दी गई है ट्वेंटी लैक्स की लिमिट दे गई दी गई है टेन लैक्स की लिमिट दे गई है बेसिकली वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो इनमें से ऐसा कौन सा वो स्टेट नहीं है अरुणाचल प्रदेश आसाम मिजोरम या वडोदरा तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश आसाम और मिजोरम ये स्पेसिफिकली आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं मणिपुर वगैरह वो सब वहाँ पे आते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लेकिन वडोदरा जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आता तो यहाँ पे हमें नहीं आता वाला कंसेप्ट पूछा था तो वडोदरा इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जी एस टी आई एन इज अ डैश डिजिट कोड तो जी एस टी आई एन का जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का कोड होता है ट्वेल्व डिजिट थर्टीन डिजिट फोर्टीन डिजिट या फिफ्टीन डिजिट तो याद रखना है आपको तो जी एस टी आई एन का जो कोड होता है दैट इज ऑफ फिफ्टीन डिजिट कोड तो फिफ्टीन डिजिट का ये कोड होता है काफी इंपॉर्टेंट बड़ा एमसी क्यू है आपके पेपर से रिलेटेड बिकॉज फिफ्टीन डिजिट कोड क्या है वो आपको नहीं पूछा जाएगा लेकिन कितना आ, डिजिट का कोड है वो आपको पूछा जा सकता है तो इसलिए ये भी एम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नेक्स्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन हमने लास्ट जो एमसीक्यू सीरीज हुई थी उसमें भी हमने इसको देखा था तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में यहां पे पूछा गया है आईजीएसटी में आय का मतलब क्या है तो सिंपल है आप सभी को पता है इसलिए ऑलरेडी मैंने आपको इसका आंसर ही बता दिया इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड इंटरनल या इंटर तो आय का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का सप्लाई करते हैं या सर्विसेज रेंडर करते हैं तो ऐसे केस में आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड एस आई एन टी ई आर तो आई एन टी ई आर इंटर स्टेट है तो इसका आंसर इंटर नहीं है तो आईजीएसटी में आई का मतलब क्या है ऐसा पूछा है तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड नेक्स्ट इज काफी सिंपल क्वेश्चन है बट ध्यान से पढ़ना इफ द सप्लायर इज नॉट कवर्ड अंडर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अगर कोई सप्लायर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कवर नहीं है इसका मतलब वो नॉर्मल स्टेट्स में कवर है एंड इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ द लिमिट फॉर रजिस्ट रजिस्ट्रेशन विल बी द जी एस टी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होगी तो देखो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलग लिमिट होती है और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलग लिमिट होती है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में भी गुड्स का अलग होता है स्पेशल और सर्विसेज का अलग होता है या फिर जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में इन्वॉल्व है तो जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में इन्वॉल्व है उनके लिए लिमिट क्या है उनके लिए लिमिट है ट्वेंटी लैक्स जो लोग सर्विसेज में ही इन्वॉल्व है ओनली सर्विसेज में तो उनके लिए लिमिट है ट्वेंटी लैक्स लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में इन्वॉल्व होंगे तो भी उनके लिए लिमिट कितनी है ट्वेंटी लैक्स अगर आपका एग्रीगेट टर्न ओवर ट्वेंटी लैक्स के ऊपर जाएगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस वेन अ पर्सन क्रॉसेज द टर्न ओवर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अभी मैंने आपको बताया कि वो अगर सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का ही सप्लाई कर रहा है मतलब सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए लिमिट क्या है उसके लिए लिमिट है ट्वेंटी लैक्स और जो लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई करते हैं उनके लिए लिमिट बन जाती है फोर्टी लैक्स और गुड्स और सर्विसेज दोनों के दोनों सप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी बीस लाख की ही लिमिट है नॉर्मल स्टेट्स के लिए विद इन हाउ मैनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन तो कितने दिन के अंदर एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ट्वेंटी डेज या टेन डेज तो जब भी वो पर्सन लाइबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसको कितने दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना कंपल्सरी बन जाता है तो उसको 30 डेज में अप्लाई करना कंपलसरी बन जाता है नेक्स्ट इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई तो प्लेस ऑफ सप्लाई से ही आपके सामने क्वेश्चन आया है टाटा मोटर्स मुंबई इंपोर्टेड कार्स फ्रॉम यूएस द कार्स अराइव्ड एट अहमदाबाद एयरपोर्ट एंड वेयर ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी तो ध्यान से प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें क्या रहेगा यूएस रहेगा मुंबई रहेगा अहमदाबाद रहेगा या पुणे रहेगा तो सबसे सिंपल पॉइंट है ध्यान रखना कि जब कभी भी हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं या प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड करना होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होता है उसके लिए रूल है कि प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर इंपोर्ट इज द प्लेस ऑफ इंपोर्टर तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्लेस ऑफ इंपोर्टर क्या है तो टाटा मोटर्स मुंबई इंपोर्टेड कार्ड फ्रॉम यूएस तो टाटा मोटर्स कहाँ की है मुंबई की है ठीक है टाटा मोटर्स कहाँ की है मुंबई की है तो प्लेस ऑफ इंपोर्टर क्या है मुंबई तो इसका राइट right आंसर बनेगा मुंबई ठीक है इसका राइट right आंसर क्या बनेगा मुंबई तो मुंबई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि इम्पोर्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ इम्पोर्टर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वैल्यू ऑफ द गुड्स और तो पर्सन जो है शुड पे सप्लायर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अलोंग विद टैक्स तो टैक्स के साथ उसको कितने दिन में पेमेंट करना है डेट ऑफ इनवाइस के साथ अगर हम कंपेयर करें तो 30 डेज 90 डेज 120 डेज या 180 डेज तो ध्यान रखना उसे 180 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा अलोंग विद द टैक्स तो दैट इज अलॉन्ग विदेंट एमसीक्यू विच यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज नंबर ऑफ डेज में या जो सेक्शन है उसके बारे में एमसीक्यू यूजली पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन वॉट वैल्यू टीडीएस नीड्स टू बी डिडक्टेड तो कौन से वैल्यू पे टीडीएस टी डी एस का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन वॉट वैल्यू टीडीएस नीड्स टू बी डिडक्टेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स आंसर है इन वॉय वैल्यू हमेशा इन वॉयस पर ही हम टी डी एस को डिडक्ट करते हैं लेकिन इन वॉय वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स के ऊपर हम टीडीएस को काटते हैं इन वॉयस वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स के ऊपर हम टी डीएस को नहीं काटते है. और आज का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ध्यान से इसको समझते हैं पहले फिर हम इसमें से ऑप्शन में से आंसर ढूंढ लेंगे राकेश परचेज गुड्स फॉर विच द टैक्स इन वाज वॉज रुपीज एटी फोर थाउजेंड तो टैक्स इन आपके पास दिया है एटी फोर थाउजेंड का इंक्लूडिंग जीएसटी ध्यान से ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंक्लूडिंग जीएसटी का मतलब ये एटी फोर थाउजेंड में ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है दैट इज आईजीएसटी और बारह परसेंट का आईजीएसटी है और हमें ये ढूंढना है द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी शैल बी तो देखो जब भी कभी इंक्लूडिंग जीएसटी आएगा तो आपको डायरेक्ट नहीं ढूंढना है अभी बच्चे यहाँ पे क्या गलत करेंगे एटी फोर थाउजेंड का सीधा ट्वेल्व परसेंट ढूंढेंगे जो बिल्कुल भी सही नहीं है वो गलत है तो कैसे करने का देखो हम सिंपल क्वेश्चन देखते हैं सिंपल कैलकुलेशन सीखते हैं एक्चुअल वैल्यू अगर हमने हंड्रेड कंसिडर किया तो एक्चुअल वैल्यू में हमें क्या करना है आई को प्लस करना है तो कितना होगा आई को अगर हम प्लस करेंगे बारह परसेंट आपका आई था ठीक है तो कितना बन जाएगा आपका आंसर एक सौ बारह बन जाएगा ठीक है तो एक सौ बारह की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है तो देखो मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख के बताता हूँ ताकि सिंपल बन जाए एक की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 112 बारह की कितनी वैल्यू है एक सौ बारह की हमारे पास वैल्यू है 84,000 फोर थाउजेंड जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है एक सौ बारह की वैल्यू 84,000 फोर थाउजेंड है तो हमें कितना ढूंढना है ट्वेल्व का वैल्यू ढूंढना है 100 का वैल्यू ढूंढेंगे फिर फिर से माइनस करना पड़ेगा बिकॉज हमको टैक्स ढूंढना है 112 की वैल्यू अगर 84,000 है तो 12 की वैल्यू कितनी है 12 की वैल्यू कितनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 84,000 फोर थाउजेंड मल्टीप्लाइडेड बाई हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो आपको क्या मिल जाएगा आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी तो उसका राइट right आंसर बनेगा 9,000 तो 9,000 थाउजेंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दिस काइंड ऑफ स्मॉल एमसीक्यू स्मॉल प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू कैन ऑल्सो भी एक्सपेक्टेड तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस को थोड़ा रिवाइज करके रखें और ये कंसेप्ट आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में पता होगा अगर इसके बारे में पता नहीं होगा फिर सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा नाइन थाउजेंड आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर टेन भी आपको क्लियर हुआ है फ्रॉम दिस सेशन तो आज हमने दस एम सी की उसको डिस्कस किया है इसी तरीके से ये जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन और अन एकेडमी पर आप लाइव सेशन ले सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्ट